जय हिंद दोस्तों, मैं ललित देशवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी, नए बच्चे कैसे करें तैयारी। एसएससी जीडी 2024-25 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपने देख ली होगी कितनी वैकेंसी आई है, 39,000 प्लस, ये भी आपने देख ली होगी और बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एसएससी जीडी जो ये हमारे पास नोटिफिकेशन आई है, इसके अंदर पहली बारी में या फिर अगर आपने पहले किसी एग्जाम के अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और पहली बार एसएससी जीडी का इस बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या वो सटीक रणनीति रहनी चाहिए? क्या वो गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो गलतियां जो पहले पहले वाले स्टूडेंट ने करी है, वो गलती हम ना करें ताकि हमारा पहली बारी में एसएससी जीडी क्लियर हो जाए? या फिर आपकी हाल फिलहाल में टेंथ हुई है, इलेवंथ हुई है, ट्वेल्थ हुई है और आपको लग रहा है मेरी एज भी हो गई है, मेरी टेंथ भी हो गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मेरी पूरी है, तो मुझे एक बार एसएससी जीडी दे देना चाहिए। लेकिन एसएससी जीडी का फॉर्म भर देने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। एक सही अप्रोच, सही तरीका होना चाहिए जिससे आपका पहली बारी में इस साल एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। हमें नहीं पता अगले साल हमारे पास कितनी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इस साल का हमें पता है कि भरपूर वैकेंसी आई और मुझे एक सीट के लिए लड़ना है। क्या मैं उस एक सीट के लिए अगर सही तरीके से चलूंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? वो सही तरीका जान लेते हैं, बस हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलना है, दोनों चीजें पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हमें यह पता होना चाहिए यार हमारे पास एक्चुअल में टाइम कितना बचा है, क्या हमारे पास समय बचा भी है। तो सबसे पहले यह देख लो कि हमारे पास अभी नोटिफिकेशन आया, हमारे पास भरपूर समय है। 5 तारीख को ही आपका नोटिफिकेशन आया है, लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की 14 अक्टूबर है, काफी बतेरा समय है। इस समय में आप फॉर्म फिल कर दो, उसके बाद आप देखोगे एग्जाम आपका जनवरी फरवरी में होने वाला है, इसका मतलब समय तो हमारे पास भरपूर है। अगर हमारे पास समय बहुत है तो अब हमें उस तरह से अप्रोच करनी है, जैसा कि आपको पता है अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी मैच में उतर रहे हो, वनडे है, टेस्ट मैच है या फिर हमारा T20 है, तो उसी हिसाब से बल्लेबाज अपना जो है बैट लेके ग्राउंड में उतरता है कि यार इस बार मुझे इस तरह से अप्रोच, इस अप्रोच के साथ बैटिंग करनी है ताकि इतना स्कोर हमारा बन सके। तो हमारे पास इतना समय, तो हमें अगर एक स्कोर चाहिए तो हमें किस तरह से वो सही अप्रोच रखनी है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो हम जो है अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके और जो मेरिट लिस्ट है उसमें हमारा नाम आ सके। अब देखो मैं ये चीजें तो बताऊंगा नहीं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए या फिर आपको एज कितनी चाहिए, तो सारी चीजें आपको जनरली पता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो है 10th पास होता है। अगर मैं बात करूं एज की तो 18 प्लस होना चाहिए, 18 से 23, बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये सारी चीजें आपको सभी को क्लियर होंगी। अभी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे करें तैयारी। अगर मैं इस पर डिस्कस करने लगा तो भैया बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी फटाफट फटाफट खेचम खेच आपको सारी चीजें बता दूंगा, कसम उड़ान चल लेगी, 1 मिनट का समय बर्बाद नहीं करेंगे हम। हमें यह पता होना चाहिए यार हमारी हाल फिलहाल में टेंथ हुई है, इलेवंथ हुई है, ट्वेल्थ हुई है, और मुझे यह भी पता है सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं मैंने भरपूरी देख रखे हैं। मैंने टेंथ तक इंग्लिश हिंदी पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, जीके भी पढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने रीजनिंग का पार्ट आज तक नहीं पढ़ा। अब रीजनिंग में क्या आने वाला है, कैसी रीजनिंग होती है, हमें तो नहीं पता। मैं आपको कहता हूं मेरे भाई, यहां पर जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है, लेकिन ये आपने आज तक टेंथ तक तो पढ़ा नहीं है। तो हमें क्या है, सही तरीके से सबसे पहले तो ये फोकस करना है कि हमें जो है रीजनिंग में 20 क्वेश्चन जो आने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, 40 नंबर का, तो हमें 40 में से 40 नंबर कैसे लाने हैं, इस चीज पे एक तो डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है हमारे पास जो ये सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी हमारे पास यार अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और मैं अभी भी हिंदी बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा होगा वो हिंदी पढ़ भी सकता है, बोल भी सकता है और समझ भी सकता है। तो एक ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। अब हमारे पास रह जाता है जीएस और हमारे पास मैथमेटिक्स। जीएस का तो यार कोई भी नहीं कह सकता, इस धरती में ना, धरती के कोने में से कोई भी आ जाए कहते मैं जीएस पूरी पूरी फंसा दूंगा, तो कहते ना बेटे बेवकूफ मत बना, जीएस तो मेरे भाई कोई बता ही नहीं सकता। इसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, कैसे करनी है ये चीजें मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अब आ जाते हैं मैथ पे। मैथ हमने आज तक कैसे पढ़ी थी यार पूरा, जब हमने 10th 11th 12th में पढ़ी है या फिर 10th से पहले भी हमने पढ़ी है, हम प्रॉपर जो है इसको कैसे करते थे, फॉर्मूले के साथ करा करते थे, इतने बड़े बड़े पेज में हम एक क्वेश्चन कर रहे होते थे। लेकिन अब हमारे पास यार ये देखोगे ना, टोटल हमारे पास समय ही 60 मिनट का है और 60 मिनट में हमें 80 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन हमारे पास मैथ के हैं। अब मैं यार मैथ उस तरीके से करूंगा तो हो नहीं पाएगा। अब हमें यह ध्यान रखना है जो मैथ के 20 क्वेश्चन है, अगर आपको मैथ के 20 क्वेश्चन पूरे करने हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, रीजनिंग को कितना समय देना है, हिंदी को कितना समय देना है, मैथ को कितना देना है, जीएस को कितना देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी कॉपी में लिख लो कि टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। ये तो 60 मिनट है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका पेपर ना 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, तब भी आपके लिए 80 क्वेश्चन क्या लगेंगे? सर 3 घंटे में 80 क्वेश्चन तो नहीं होंगे। फिर मैं बोलूं 2 घंटे का, तब भी आपको यार दिमाग ना, ये माइंडसेट होता है हमारा कि यार 2 घंटे में 80 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, उसी में लगे रहोगे।
होने को ये एक घंटे में भी हो जाएंगे 80 क्वेश्चन, और ना होने को 3 घंटे भी दे दूंगा तब भी आपसे 80 क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होना नहीं है ना वो आपका भैया 1 मिनट में भी नहीं होगा, 10 मिनट में भी नहीं होगा, आधे घंटे में भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी कॉपी में लिख लो कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है यार ये थोड़ा सा ना परेशान कर रहा है, उसको रिव्यू के लिए छोड़ दो, मतलब उसको क्या कर दो, सर्कल करके छोड़ दो। अगर ऑनलाइन टेस्ट है तो उसको थोड़ी देर के लिए रिव्यू के लिए छोड़ दो कि बाद में आके देखूंगा, पूरा पूरा पहले पेपर तो देखो आखिरी तक जाते जाते यार कैसे कैसे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को पहले क्या करना है हमें टच करते हुए चलना है, ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूट जाए और बाद में जाके हमें पछतावा हो यार अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले देख लेता तो यार ये क्वेश्चन मेरा पूरा सही हो जाता। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की, अब मैथ्स यार देखो क्या है, मैथ्स हमारे पास यहां पर ऐसा नहीं है कोई रटा देगा या मैथ्स यहां पर किसी ने भी घोल के पिलाया बोनविटा में और पिला दिया ना, मैथ्स के लिए आपको जो है कंसेप्ट पता होने चाहिए। यहां पर आप देखोगे क्या नहीं करना है, पहले ये भी थोड़ा सा बता देता हूं कि हमें यार सिलेक्शन लेना है लेकिन क्या नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग ना सीधा का सीधा प्रीवियस ईयर पेपर लगाने मत बैठ जाना, कई सारे यार अगर मैं भी बात करूं, मैं भी यूट्यूबर हूं और मैं भी कल को ऐसी ही चीजें लेकर आने वाला हूं, लेकिन मैं एक बड़े भाई की तरह आज आपको बता रहा हूं कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। डे वन में आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाने मत बैठ जाना, डे वन में मॉक टेस्ट, कई सारे यूट्यूबर है अपनी क्लास स्टार्ट कर दिए होंगे यार की यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दिए होंगे, कैसे लाए पूरे में से पूरे नंबर और फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट, प्रीवियस ईयर स्टार्ट। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर तुम पहले ही दिन तुम्हें अभी दसवीं से अभी तुम निकले हो, दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं करके, और उसके बाद सीधा तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाने लग जाओ, यहाँ पर इसी तरह से बात होगी। जैसे कि मान लो तुम्हें ये तो पता नहीं है कि यार बैट कैसे पकड़ते हैं और तुम्हें जाके उतार दिया ग्राउंड के अंदर, अब खेल बेटा, ब्रैटली की बॉल आ रही है, एक मुंह पे पड़ रही है, एक दांत टूट रहा है, एक कान टूट रहा है, भाई पहले बैट पकड़ना तो सीख लो, पहले स्टेयरिंग, जैसे गाड़ी अगर तुम चलाने जाओगे तो पहले गियर डालने सीख लो, कैसे क्लच ब्रेक होती है सारी चीज सीखो तभी तो चलोगे आगे, या सीधा बोल दोगे हाँ मैं स्टेयरिंग पे बैठ गया मैं चला लूंगा गाड़ी, भाई पहले चीजों को समझो। तो ये गलती नहीं करनी, मैं ये नहीं कह रहा प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाने, भाई यहीं से पेपर फंसना सारा मॉक टेस्ट नहीं लगाने, यहीं से आना यार, लेकिन डे वन में ही अगर आप तुम प्रीवियस ईयर पेपर करने लग जाओगे तो दिमाग में हो जाएगी बसड़ और उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। ये कायदे थे, एक बात बता रहा हूँ बड़े भाई के होने के नाते, भाई मैं भी अगर कल को देखना इसी तरह से वीडियो लाऊंगा कि प्रीवियस ईयर लगा लो, क्यों, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम है, मुझे इसी तरह से चलना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये गलती डे वन में नहीं करनी, अगर आपके यहाँ कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आप पहले किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस साल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और आपका पीछे जो है बेस पूरा का पूरा क्लियर है, तब जाकर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाने शुरू कर देना, प्रैक्टिस सेट करने शुरू कर देना। लेकिन पहले दिन ही अगर आपने पहली बार एसएससी जीडी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अभी पहले ही दिन आप तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, किसी बड़े बूढ़े ने आपको बोला कि भाई एसएससी जीडी का फॉर्म निकल गया और तैयारी शुरू कर दे, तो पहले ही दिन से प्रीवियस ईयर पेपर लगाने मत लग जाना, मेरे भाई बुद्धि क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा और सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे तुम, यहाँ पे बुद्धि सड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कई सारी आपको वीडियो भी दिखेगी यूट्यूब पे कि भैया मेरा मैराथन क्लास आ रही है 4-4 घंटे की, सिलेक्शन ले लेंगे इस मैराथन क्लास को, पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज बताओ यार, 4 घंटे की क्लास से, मैराथन क्लास से 4 घंटे की एक ही क्लास से सिलेक्शन हो गया तो भाई फिर तो सारी दुनिया जो है फॉर्म भरेगी, 4 घंटे क्लास लेगी सिलेक्शन ले लेगी, पॉसिबल है नहीं। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिनका बेस क्लियर है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा मैराथन क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन बच्चों के लिए है जिनका बेस क्लियर है, जो काफी लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं। अगर आपका डे वन है अभी तुमने तैयारी स्टार्ट करी है तो आपके लिए मैराथन क्लास जो है क्या है, बेकार है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बेकार है, मॉक टेस्ट लगाना बेकार है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम सभी बच्चों को अपना बेस स्टार्ट करना है। जितने भी कंसेप्ट है ये बताओ यार कि मेरे को मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है फॉर्मूले से तो मैं कर देता हूं, लेकिन यार एग्जाम में फॉर्मूले से नहीं करना, मतलब फॉर्मूला तो यार पता होना चाहिए, इन द एंड फॉर्मूला तो यूज होना है, लेकिन उस तरीके से नहीं करना कि एक्स वाई जेड की वैल्यू लगा के इतना बड़ा पूरा एक पेपर भर के आपने 10 मिनट में एक ही क्वेश्चन करा, टोटल 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन है, 10 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे तो 6 क्वेश्चन कर पाओगे, मेरे भाई क्या मिलेगा, घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपको सारी चीजों को समझते हुए चलना है कि टाइम मैनेजमेंट करना है प्रॉपर। अब टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, सबसे पहले आपके जो 4 सब्जेक्ट है ना, इन 4 सब्जेक्ट को ना दिमाग में बिठा लो कि हमारे पास हर एक सब्जेक्ट को ना एक पर्टिकुलर समय देना है। अभी आपका स्टार्टिंग के डेज है, ठीक है, तो हमें जो है हर एक सब्जेक्ट को पहले तो एक प्रॉपर डेली 1-1 घंटे की क्लासेस लेनी है। आप कहां से ले रहे हो वो आपकी इच्छा है, यहां पर आप आ सकते हो टॉप तक गुरुकुल आगरा में, यहां पर आप, यहां पर पहले 100 बच्चों के लिए फ्री क्लासेस है तो आप यहां पर आकर पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहो वहां पे, लेकिन इनिशियल या शुरुआती दिनों में आपको पहले अपना सिलेबस खत्म करना है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलने हैं। अगर आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछोगे या फिर हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो क्या करते थे, हम एक छोटी छोटी कॉपी बनाते थे, नोट्स बनाते थे, हमारे पास जो नोट्स की वैल्यू है ना, जो हम कॉपी बनाते हैं नोट्स बनाते हैं, इसकी इंपोर्टेंस जो है सबसे ज्यादा होती है। हम जो है ये सोच रहे होते हैं यार यूट्यूब पे हमें जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे वहीं से पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाने नहीं है,
यार एक चीज बताओ, जब एग्जाम टाइम आएगा और आप यूट्यूब पे बैठोगे तो दिमाग में बसड़ हो जाएगी, बसड़ कसम उड़ान चलेगी, सच बात बता रहा हूँ, दिमाग में बसड़ हो जाएगी। उस टाइम पे आपको बस एक चीज करना चाहिए, एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले केवल आपको अपने नोट्स उठाने चाहिए और बस उन्हें पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कोई भी बच्चा जो आज सिलेक्टेड होगा उससे जाके पूछना कि लास्ट के दिनों में वो क्या करता है, रिविजन करता है कहां से, यार अपने नोट से, YouTube से रिवीजन थोड़ी हो जाएगी लास्ट के दिनों में। लास्ट के दिनों में अगर आप YouTube पर जाकर अगर आप बैठोगे तो हर कोई अलग अलग क्लास लेकर आ रहा होगा, अलग अलग क्वेश्चन लेकर आ रहा होगा, फिर तुमने जो नोट्स बनाए होंगे ये पढ़ोगे कब, फिर क्या फायदा इन नोट्स का। तो इन नोट्स को लास्ट के दिनों में ही तो पढ़ना होता है, तो नोट्स को प्रॉपर बनाते चलो ताकि लास्ट के दिनों में इन्हें पढ़ सको। तो किसी भी बच्चे को अगर ये डाउट हो कि मेरे को यार किस तरह से नोट्स बनाने, तो कमेंट कर देना। टाइम मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए, किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करना है ये बता देना। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं कि हमारे पास जो 60 मिनट है किस तरह से आप इसे मैनेज कर सकते हो। हमारे पास जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो एग्जाम में हमारे पास जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है 7 से 8 मिनट में हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं जीएस की बात करूं, जो क्वेश्चन मुझे आता होगा मैं पूछ लूं भैया कि हमारे देश का पीएम कौन है, तो यार अगर आपको पता होगा तो बता दोगे, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाओगे। मतलब जीएस हमारे पास मैक्सिमम आपके 5 से 6 मिनट लेती है। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ते ही आता होगा तो कर दोगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। इसमें कोई ज्यादा बसड़ वाली बात थोड़ी है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें कि यार इसमें पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यार ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसमें ये फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है जीएस में। जीएस में सिंपल सा फंडा है यार कि आपने बुक में पढ़ लिया है, आपको पता है कि भैया देश का पीएम कौन है तो आप बता दोगे, देश का प्रेसिडेंट कौन है बता दोगे, नहीं पता तो नहीं बता पाओगे। मेहनत है आपकी रीजनिंग और मैथ में। अगर आप 7 से 8 मिनट इसको, 5 से 6, ये कब, एग्जामिनेशन हॉल में, आज से नहीं, आज तो आपको डेली एक घंटे दो दो घंटे पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से आपको लगता है मैथ आपकी वीक है, तो मैथ को आप 3 से 4 घंटे पढ़ो। रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग को आप डेली 2 घंटे पढ़ो। इसी तरह से यहाँ पे जीएस और हिंदी को आप पढ़ो। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे तो आपको 7 से 8 मिनट हिंदी को देने हैं, 5 से 6 मिनट आपको जीएस को देने हैं, बाकी बचा हुआ समय आपको जो है मैथ और रीजनिंग को ही देना पड़ेगा। अब ज्यादा समय दोगे किसको, मैथ को, थोड़ा कम दोगे रीजनिंग को। और ये आपके क्या है, स्कोरिंग, मतलब क्या है, अगर आपका रीजनिंग अच्छी है तो स्कोर अच्छा हो जाएगा, और अगर आपकी मैथ अच्छी है तो सिलेक्शन तक हो जाएगा। अगर कोई कहेगा सर जी मेरी मैथ वीक है, तो मेरे भाई आप SSCET का सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि कट ऑफ जाती है बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया, मौज आ जाएगी कट ऑफ देख के आपको। तो अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन छोड़ देना कि भैया SSCET में हो जाएगा। तो आज से ही तैयारी करने लग जाओ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जैसे कि आपको लगता है यार ऑनलाइन सर जी समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन में कैसे पढ़े कैसे तैयारी करें, तो यार आपके लिए यहाँ पे गुरुकुल खोल दिया है आगरा में, आराम से आओ तैयारी करो यहाँ पे बैठ के ऑफलाइन मोड पे। और पहला 100 बच्चों के लिए देखो इस तरह से गुरुकुल है, यहाँ पे क्लासेस आपको दिख रही होंगी, एक यहाँ पर एक पूरी की पूरी यहाँ पे जो है विंग है, यहाँ पे बॉयज हॉस्टल रहने वाला है। ये प्रॉपर एक यार क्या है आपके लिए गुरुकुल खोल दिया गया, सारे के सारे बच्चे यहाँ पर आके रह सकते हो, फ्री है पहले 100 बच्चों के लिए। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आओ, अगर आप घर से करना चाहते हो तैयारी घर से कर लो, जो भी हो अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को यहाँ पे कॉल कर सकते हो, मैं खुद कॉल रिसीव करूंगा अभी पहले 100 बच्चों के लिए, तो मेरे को कमेंट कर देना बाकी कोई भी समस्या हो तो। बाकी और जो भी डिटेलिंग में वीडियो चाहिए कि हमारे पास सेव स्कोर क्या रहना चाहिए, हमारे पास जो है लास्ट 3 ईयर की कट ऑफ क्या थी, और जितनी भी वीडियो हो सकते हैं कौन सा बेस्ट टीचर है, कौन सी बेस्ट बुक है, सारी सारी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बस बता देना। कोई भी दिमाग में बसड़ मत रखना, कोई भी टेंशन मत रखना, कोई भी ऐसी बकैती मत करना, कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे आपको कल को परेशानी हो जाए और सिलेक्शन से आप दूर हो जाओ। सिंपल सी 2 बातें हैं, क्या करना है क्या नहीं करना करना है, हमें बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर पे जाना है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाना है। क्या नहीं करना, हमें Day 1 में प्रीवियस ईयर पे पढ़ने लगाने, Day 1 में हमें यूट्यूब पे बैठ के वो 4-4, 5-5 घंटे की प्रैक्टिस क्लास नहीं देखनी, Day 1 में हमें जो है किसी भी ऐसी बात पे ध्यान नहीं देना है कि हमारे पास जो है इतना टफ कॉम्पिटिशन है, हमारे पास इतने बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है, हमारे पास लास्ट ईयर इतने बच्चों ने ये करा था, अब हमें ये करना पड़ेगा। भाई अभी तुम शुरू कर रहे हो, इतना दिमाग पे प्रेशर लोगे तो काम नहीं चलेगा। रिलैक्स माइंड के साथ होते हुए चलते चलो, ये सोचो यार कभी भी जैसे अगर मान लो ग्राउंड में चाहे रोहित शर्मा चाहे विराट कोहली जब उतरते थे, ये थोड़ी सोचेंगे यार कि वर्ल्ड कप जीतना, इस बार भी वर्ल्ड कप हार जाएंगे, इस बार भी हो जाएगा, लास्ट ईयर हो गया था ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने ये कर दिया था। भाई इस माइंड सेट से उतरो ना कि यार इस बार मचा देंगे, इस बार फोड़ देंगे, इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारे पास मौका है और इस मौके पे हम जो है चौका मारने वाले हैं, बतेरी वैकेंसी निकली हुई है और हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। लास्ट में जाते हुए बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है कॉल कर लेना, गुरुकुल आना चाहते हो मैं आपको यहीं मिलूंगा 24 घंटे 24x7। ओके गाइस थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।